नमस्कार इंडिसेंट के दर्शकों का इस खास मुलाकात में मैं रत्नाकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस पार्श्वभूमि पर आज हमारे साथ में इस खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं जिनका अभी भी चयन हुआ है महानगर पालिका में अविनाश भाव ठाकरे का, वहां सत्ता पक्ष नेता करके इनका चयन। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद अविनाश भाव आपको। एक बड़ा चैलेंज भी है आपके सामने, एक कारकिर्द आपकी रही, आप ज्येष्ठ नेता भी रहे हैं, लोगों की अपेक्षाओं को भी आपने पूरा उतरने की हमेशा कोशिश की है। अब इस नई भूमिका में अविनाश भाव हमको कैसे प्रेजेंट होने वाले हैं? चैलेंज है, आपने कहा सही, चैलेंज है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका में हम एज अ टीम काम करते हैं जी। और हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक दयाशंकर जी तिवारी मेयर है, उनका भी अनुभव है। हमारे शहर अध्यक्ष प्रवीण जी दटके, ये भी कारपोरेशन में ध्यान देते। टीम वर्क करके सारा का सारा जो काम हम लोग करेंगे, तो निश्चित तौर पे अभी तक जैसा चल रहा है, जिस तरीके से हमने 15 साल नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी कार्यप्रणाली की, जो महानगर पालिका चले, उसी प्रकार से हम लोग चलेगी। और एक प्रोसेस है, मतलब लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और नए लोग आते हैं तो नई आइडियाज भी आती है जी। तो अपने अपने हिसाब से वो चलता है। मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में जो है चुनाव का साल है जी, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड सारे के सारे जो वर्क है वो पब्लिक ओरिएंटेड होके वर्क करके हम निश्चित तौर पे चौथी बार भी नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लेके आएंगे। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अगला सवाल भी आपसे इसी से जुड़ा पूछने वाला था कि एक चैलेंज की जहां हम बात कर रहे हैं, तो आपके ही कारकिर्द में जो है अगले आने वाले चुनाव जो है लड़े जाने हैं, तो क्या स्ट्रेटजी है, मतलब किन मुद्दों के साथ में और किस तरह से आपने जनता को एक फेस करना है? क्या हमारे नेता माननीय नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र में और केंद्र में जो हमारी सरकार थी, तो पिछले 5 साल में करीब 80,000 करोड़ रुपए का फंड नागपुर शहर को मिला, जिसमें मेट्रो का भी है, सीमेंट रोड है, बड़े ग्राउंड से छोटे 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 ग्राउंड, छोटे छोटे स्टेडियम, गार्डन सभी डेवलप मैक्सिमम हुए हैं। और हर साल देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने 5 साल में हर साल छोटे छोटे कामों के लिए आमदार जितने भी हमारे MLA थे उनके माध्यम से हर क्षेत्र में 100-100 करोड़ रुपए के हर साल, मतलब इतना पैसा दिया है। तो जो बड़े वर्क, जो डेवलपमेंट के जो वर्क नागपुर महानगर पालिका में थे, वो बड़े पैमाने पर हमने किए। क्या कैसा है, डेवलपमेंट के दो टाइप के, मतलब डेवलपमेंट के मायने पहले से ज्यादा बदल गए अभी जी। अभी पिछले 5 साल में जो जहां पर मिट्टी थी वहां पर रोड दिखने लगे हैं जी, लोगों को पीने के पानी की सुविधा हुई है, सीवर लाइन हुई है, कुछ जो रिजर्वेशन का इशू जो अभी कोर्ट में चल रहा है, उतना एरिया छोड़ा तो नागपुर शहर में लगभग सब जगह पे हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ, एक विजिबल डेवलपमेंट जो है, विजिबल डेवलपमेंट हम कर चुके हैं अभी। और बाकी जो एरिया जो पहले से टाउन प्लानिंग के तहत बनाए गए थे, उसमें ऑलरेडी विजिबल डेवलपमेंट है। अब जो डेवलपमेंट के मायने हैं वो उसमें बाइफर्गेशन हुआ है जी। डेवलपमेंट बोला तो विजिबल डेवलपमेंट एंड सेकंड पार्ट है मेंटेनेंस, जिसको हम सर्विस कहते हैं जी। मतलब इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री एंड सेल्स इंडस्ट्री, सर्विस कैन बी फील्ड। हाँ, तो अभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवा मिले जी, ये जो डेवलपमेंट हुआ उसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा पाए, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा हमें। और उसके लिए जैसा अभी कोरोना काल में गवर्नमेंट ने सारे के सारे फंड रोक दिए थे हमारे, कट भी किया था बजट, आपको पूरे नागपुर शहर में चर्चा हुई थी कि पिछले आयुक्त ने क्या क्या किया, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ कि मेरे प्रभाग में पिछले 9 महीने से मैं लोगों की गटर लाइन दुरुस्त नहीं कर पाया था, अभी उसका काम चालू किया। तो जो छोटे छोटे इश्यूज है इनको एड्रेस करके पब्लिक में जो पब्लिक के मन में जो हमारी महानगर पालिका की छवि खराब करने की कोशिश सरकार बदलने के बाद हुई है, वो कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे, और यही स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग चलेंगे। अब जहां हम डेवलपमेंट विजिबल ग्रोथ की बात करें, इनविजिबल ग्रोथ की बात करें, लेकिन जैसा अभी आपने हम लोगों ने एक फिर से विजिबल ग्रोथ की तरफ या इनविजिबल ग्रोथ की तरफ अगर बात करते हैं, तो अचानक फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब इन आंकड़ों के या इस परिस्थिति के चलते ये एक अलग और मायने बन जाते हैं कि फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या एक भविष्य लेके चले, क्या हमारा आने वाला कल हम कैसे सुनिश्चित कर सकेंगे? देखिए, कोरोना है, कोरोना को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोरोना है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन एकदम से जो हवा, मतलब जो हवा बन रही है जी, तो एज अ कॉमन सिटीजन करके मैं अगर प्रोसेस को ऑब्जर्व करता हूँ, तो अचानक से फरवरी महीने में एक राज्य की कमेटी आती है और वो कहती है कि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है,
और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद लोकल जो बॉडीज है उसको, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको फॉलो करती है, और अचानक फिर कोरोना का मतलब टेस्ट बढ़ जाती है, और जैसी जैसी टेस्ट बढ़ती है वैसे वैसे उसके पेशेंट आंकड़े भी भी जो आंकड़े है। भी होते हैं, और फिर उसका पॉलिटिकली बेनिफिट उठाने का जो काम है वो सरकार कर रही है, ऐसा एक जनमानस में अभी इस तरीके की जनमानस में एक भावना है, इसलिए जो सरकार लोगों को बता रही, तो इसलिए लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं है, लोगों को ये लगने लगा है कि ये जो अभी का जो कोरोना का इफेक्ट है वो पॉलिटिकल कोरोना है, तो ये भी एक भावना लोगों के मन में दिख रही है। मुझे लगता है टेस्टिंग ज्यादा हुई जल्द से जल्द कोरोना जाएगा, ऊपर से काफी सारे लोगों ने भी कहा है कि जैसा जैसा मॉइस्चर एयर में से कम होते जाएगा वैसे वैसे कोरोना जाएगा, और अभी लस भी, अभी ये भी आ गया है हमारा, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन भी आ गया है, तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होके मुझे लगता है कि जल्द कोरोना का प्रभाव कम होगा। अगर ये देखें एक राजकीय परिस्थिति डेवलपमेंट देखें कि कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट था, तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है और नागपुर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं नागपुर के साथ में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दूजा भाव होता हुआ दिख रहा है आपको। प्रूव हो रहा है, दिखने की क्या बात है। डीपीडीसी जो हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट की डीपीडीसी जो 800 करोड़ तक गई थी वो अभी 550 करोड़ तक ला गई, 157 करोड़ के जो काम थे वो गवर्नमेंट ने उसका फंड नहीं भेजा, यहाँ तक के प्रशासन का यूटिलाइजेशन किया, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जे जो आयुक्त थे उनका यूटिलाइजेशन करके आया हुआ पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहा, लेकिन उन आयुक्त महोदय ने स्टैंडिंग कमेटी को इसकी इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे पास में 136 करोड़ रुपए FD में पड़े हैं, इससे हम काम कर सकते हैं, वो तो बाद में ध्यान में। अब 28 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग कमेटी को बताने कि 28 करोड़ रुपए हमारे पास में आए हैं, मतलब जो प्रशासकीय अधिकारी उसका इस्तेमाल करके नागपुर शहर की जनता को सेवा मिलने से वंचित रखने का काम, एक तरीके से प्रशासन के ऊपर, नागपुर शहर के प्रशासन के ऊपर एक दड़पण लाके एक मजबूर करके उन्हें ये विकास का काम रोकने का काम ये सरकार कर रही है, इसलिए बड़े संघर्ष का समय है ये। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हम जो सरकार कोई भी हो लेकिन उसने ये सोचना चाहिए कि एंड यूजर को मतलब सामान्य नागरिकों को वो सारी सुविधाएं जो है बेसिक सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, फिर चाहे कोरोना काल हो या नहीं हो। लेकिन आज की परिस्थिति जो है ये कहें बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हम लोगों को हमेशा वही बताते हैं कि आपने कोरोना से घबराना है, सारे सोशल डिस्टेंसिंग जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसका पालन करें। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि कोरोना एक पॉलिटिकली एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, तो आम नागरिक की मानसिकता क्या होगी ऐसी स्थिति में? मैं आपको जब भी बताया कि ये चर्चा हम नहीं कर रहे, ये आम जी ना, हम जो कह, हम मैं भी उसी के आधार पे बात आज कर रहा हूँ जनप्रतिनिधि करके हम लोगों में जा रहे कि आप टेस्ट कराइए, आप ये आप घर में आप जोड़ में मत रहिए, अभी अभी कल जो सर्कुलर निकला उसके बाद सवेरे से इतने फोन आए हैं कि हमारे घर की शादी रुक गई है, और ये रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो सब पॉलिटिकल चल रहा है, ये आम आदमी कह रहा है, तो सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि उनके बारे में अविश्वसनीय वातावरण क्यों तैयार हो रहा है जनता के मन में, जनता को क्यों नहीं लग रहा है कि सरकार जो है कोरोना रोकने का प्रयास कर रही है, जनता को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। और नागपुर महानगर पालिका का विषय ले तो हम तो घर तक ले जाके हमारी बसेस में हमने ये टेस्टिंग पॉइंट बनाए, बस्ती बस्तियों में कैंप्स लगाए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट की जो मिशनरी है जिसने इसमें प्रोएक्टिव काम करने को होना था, पिछले कुछ महीनों में टेस्ट बढ़ाने का काम करने को होना था, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम करने को था, उसके बारे में जो है वो उन्होंने अपना रवैया जो एकदम से बदल दिया था, और अचानक जब असेंबली का कॉल हुआ उसके अचानक 15-20 दिन पहले उन्होंने ये कार्रवाई चालू की और लोगों के मन में डर पैदा किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी है उनके बारे में कहना उचित नहीं है, मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ, फिर भी जिस तरीके की बात करें कि जनता अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, जनता अगर वैसा नहीं करेंगे तो हम, मतलब आप सारा तो जनता को क्यों देना चाहते, आप सारा तो जनता को ना दीजिए ना, जनता तो मास्क लगाकर घूम रही है, अभी आपके मंत्रालय के मंत्री अगर कोरोना पॉजिटिव आए क्या वो बिना मास्क के घूम रहे थे, क्या वो बिना सिक्योरिटी के घूम रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं आप इस तरीके का आपने इस तरीके की एक्टिविटी किया और उसके वजह से भी कोरोना, महाराष्ट्र ऐसा क्यों राज्य है कि जिसमें कोरोना नहीं कंट्रोल में आ रहा, बाकी सब जगह पे कोरोना कंट्रोल में आ रहा, ये सब कहीं चीजें कहीं जो है जनता, हाँ ये सब चीजें जनता को सता रही है कि बिहार में इलेक्शन हुए फिर भी वहां पर कोरोना नहीं बढ़ा, पश्चिम बंगाल में इतने सारे पब्लिक गैदर हुए फिर भी वहां पर कोरोना नहीं बढ़ा, इस ये जाने दीजिए महाराष्ट्र में अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए उसके बाद भी कोरोना नहीं बढ़ा था, अभी अचानक से ऐसे क्या हो गया कि एकदम से कोरोना पड़ गया, तो ये सब जनता के मन में संभ्रम पैदा हो रहा,
मुझे लगता है कि इस सिचुएशन पर भी हम लोग कंट्रोल करेंगे और लोगों के मन से डर, दिल से डर निकालेंगे और आने वाले समय में अच्छे से अच्छी उनको सर्विस देने की कोशिश करें। लेकिन आज के हालात हम देखे गए 2-4 दिनों से तो एक बड़ा सा डर लोगों को सता रहा है, वो डर कोरोना का जितना है उतना ही ज्यादा डर है लॉकडाउन का। तो ये लॉकडाउन एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लोगों के सामने बैठा हुआ कि कहीं ना कहीं उनके जो उपजीविका की हम बात करें, उनके एक लाइफस्टाइल की बात करें, कहीं ना कहीं जब अब गाड़ी पटरी पर आने की शुरुआत हुई थी तो अब फिर से मतलब वो मार्च पिछले साल का मार्च अब इस बार भी क्या वही रूप दिखाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल नजरों के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के मन में ये डर है। अभी अभी आज ही मैंने कहीं से कहीं पे किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो गांव से आए हुए बच्चे हैं वो वापस जाना चाहोगे बस पकड़ पकड़ के, बस स्टैंड पे भीड़ हो गई है। तो ये मन जो डर की भूमिका सरकार ने जो पैदा की ना अपने स्टेटमेंट से बार बार, अभी मुझे काफी सारे मीडिया में, कुछ मीडिया में ऐसी बात है कि नया स्ट्रेन मिला, अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं, बस हवाएं चल रही है कि नया स्ट्रेन मिल रहा है। मिला क्या? तो नहीं मिला। 3 दिन बाद खबर आती है, बड़ी खबर छाप, बड़ी खबर आती है पहले की ब्रेकिंग न्यूज, नया स्ट्रेन मिल रहा है। वो जांच के बाद फिर छोटी सी एक नीचे में स्ट्रिप आती है कि नया स्ट्रेन नहीं मिला। मतलब लोग कंफ्यूज करने का जो तरीका ये गवर्नमेंट अपना रही ना, आप जो बात कर रहे हैं अमरावती के एक है कि वहां पर ये न्यूज चली थी कि वहां पर कुछ 2 प्रकार के जो कोरोना के पेशेंट्स में वो उस तरह के स्ट्रेन मिले थे। हालांकि हम भी उस पर, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है तो उस पर बहुत ज्यादा बातचीत करना उचित नहीं है। यहां पर हम बात सिर्फ आम नागरिकों की कहते हैं कि इस डर से निजात पाने के लिए अब आपके नागपुर महानगर पालिका की क्या संरचना रही है, क्या आगे होना चाहिए? देखिए, हम काउंसलिंग करेंगे लोगों का, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का काउंसलिंग करके लोगों के मन से डर निकालेंगे। दूसरी बात कि मॉर्टेलिटी रेट के बाद में बारे में बात करेंगे कि पिछले साल का मॉर्टेलिटी रेट और इस साल कोरोना होने के बाद भी हुआ हुआ मॉर्टेलिटी रेट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से कम मौत इस साल हुए आफ्टर कोरोना होने के बाद भी। तो ये सब चीज़ें लोगों के मन से डर निकालेंगे। जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि ये एरिया में हमें टेस्टिंग करनी चाहिए उस तरीके से हमारी जो यंत्रणा है वो काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो पब्लिक में ना आए इसके लिए हम कोशिश करेंगे। लोगों के मन से डर निकालने की ज़रूरत है कि भैया इससे डेथ रेट बढ़ता है या ये होता है, ये सब डर निकालने की ज़रूरत है। और इसके बारे में हमने जब पीक पे था उस पर भी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर लोगों को सुविधा देने की कोशिश की थी। अभी फिर से हमारे एक हमने कोविड सेंटर खोलना चालू कर दिया है तो एक लोगों के बीच में जाके हम उनसे बातचीत करके काउंसिलिंग करके ये सब हमें करना पड़ेगा आने वाले समय। अविनाश भाव, राजनीति की बातें हो गई, लोगों की बातें हो गई, अविनाश ठाकरे जी की हम बात करते हैं। जब आप पॉलिटिकल पर्सन नहीं होते हैं, एक फैमिली पर्सन होते हैं या अपने आप को देखते हैं, तब अविनाश भाव क्या होते हैं? बीवी के साथ खाना बनाता हूं। मैंने मेरे घर में, मतलब मेरा जो पीछे का जो मैं जहाँ पे मेरा घर है जी, तो टेरेस पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट, इतना बड़ा जगह है, वहां पर मिट्टी का चूल्हा बना के रखा है और बढ़िया लकड़े रख के रखे हैं। और मैं हमें मुझे मुझे हमेशा एवरी सैटरडे जी मेरा शौक है कि मैं घर वालों को अच्छी अच्छी सब्जी बना के चूल्हे का खाना खिला, हमको कब आना है आप जब बोलेंगे। और बाकी समय में फिर मेरा सिंगिंग मेरा हॉबी है, राइटिंग मेरा हॉबी है, ये सब मैं करते रहता हूँ, अपने लिखते रहता हूँ या फिर गाने गाते रहता हूँ, ये सब चलता रहता है। मैं भी इस चीज को बहुत मानता हूँ और सैलूट भी करता है कि अपने एक जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके साथ में आदमी ने कुछ ऐसे शौक पालने चाहिए और अपने परिवार के, जैसा कि आपने कहा, कुछ समय के लिए सर जब आप परिवार का हिस्सा होते तो परिवार के साथ में ही होना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना के पार्श्वभूमि पर, राजनीतिक पार्श्वभूमि पर, कि वो अपने परिवार का किस तरह से ध्यान रखें? मैं यही कहना चाहूँगा सारे दर्शकों से हाथ जोड़ के कि सारे जो हमारे प्रतिबंध है वो प्रतिबंधों का पालन कीजिए। शादी ब्याह में जो अभी अभी तो सरकार ने बंधन लगा दिया है, लेकिन घर में भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे ऑफिसेस में जाते हैं, किसी के संपर्क में आते, तो घर में भी ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिएगा। बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया को चालू रखिएगा, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को चालू रखिएगा और मास्क, बिना मास्क पहने कहीं भी मत जाइए, मार्केट में भी जाइए। और ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है, अगर हमें मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं तो कृपया अपने घर में ही रहिएगा। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग की, हम लोग बड़े बुजुर्ग की सेवा करना हमारा काम है, उनकी उनके लिए भी, वो भी अफेक्ट ना हो इसके बारे में हमें कोशिश करनी है। और
सारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इसका आप ध्यान रख के कोरोना का डर मत रखिएगा। अगर किसी को हमें लगता है इन्फेक्शन है तो टेस्टिंग कीजिएगा, इमीडिएट पता चल जाता और डॉक्टर भी इलाज, अभी तो सिस्टम हैबिचुएटेड हो चुकी है कोरोना से, कौन सा इलाज कौन से स्टेज पे किया जाता है ये लोगों को भी मालूम, ये डॉक्टर यंत्रणा को भी मालूम हो गया। अभी वैक्सीन भी आ गए हैं, जिन्होंने जो अभी जिनको ये फर्स्ट फेज में वैक्सीन के लिए जो अलाउड थे, जिन्होंने नहीं लिया होगा उन्होंने वैक्सीनेशन कर लीजिएगा और सुरक्षितता से जीवन आप गुजारिए, यही मैं आपसे गुजारिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाव। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में भी हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, उसका हमें जरूर सम्मान करना चाहिए। कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि अविनाश भाव ने बताया, हमें यह ध्यान रखना है कि हम सारी चीज़ों की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे हमें नुकसान हो, हमारे परिवार को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, हमारे शहर को नुकसान हो। एक बहुत ही सुंदर शहर है जो विकास की ओर बढ़ रहा है और सारी यंत्रणाएं उसके पीछे लगी हुई है, क्यों ना हम भी इसके बारे में कुछ सोचें, हम भी इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दें, स्वस्थ रहे, घर में रहे, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। अविनाश भाव, आपको फिर से एक बार पूरी टीम की तरफ से सत्ता पक्ष नेता की इस पद की शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।